ये कुछ ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप फोटो सेंड करते हो और अपना गैलरी ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको नीचे पोल का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये नया अपडेट के बाद आया है। और इसको कैसे यूज करना है वो इस वीडियो में जाने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा कंटिन्यू देखिएगा। मैं मनीष कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिये इसके लिए हमको पहले तो अपना ये व्हाट्सअप ओपन करने के बाद यहाँ पे पोल वाले पे आ जाना है। कैसे आना है मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। अपना चैट में आ जाना है पहले, तो जिस भी आप चैट करते हो कोई भी आपको वो कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे पोल वाला, ठीक है। तो ये पोल का मैं बता देता हूँ, कोई ग्रुप ज्वाइन करते हो या कोई भी चैट हो तो वहां पे आप एक पोल क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप यूट्यूब पे देखते होगे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और उसमें आपको 2 3 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, ठीक है। और उसमें आप उस पर क्लिक करते हो तो वो वोट होता है, उसको आप वोट दे रहे हो, उसका आंसर आप देकर बता रहे हो कि ये वाला सही है। सेम वैसे ही इसमें भी है कि आप इसमें पोल क्रिएट कर सकते हो, सेम वैसे ही आप क्रिएट कर सकते हो और इसमें भी आप दूसरों से पूछ सकते हो और खुद से भी आंसर दे सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने सही जवाब दिया, ठीक है। तो वो कैसे हम जानेंगे, पहले तो हम पोल करना सिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे पोल वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख के दिखा देता हूँ, मैं मनीष लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना ऑप्शंस ऐड करना है, अपने क्वेश्चन का आंसर ऐड करना है और कुछ ऑप्शंस ऐड करना है। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शंस का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐड वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शंस लिखना है, ठीक है। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन का आंसर देते हो तो वहां पे 4 ऑप्शंस मिलते हैं एक नंबर वाला, तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस में भी कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी कुछ लिख देता हूँ। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे नीचे एक खुलता जाएगा, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि दो ही मेरा आंसर है उसमें से एक रॉन्ग रहे और एक राइट रहे तो वो यहाँ से आप कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर सकते हो, आपको तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 4 ऑप्शन दिखना चाहते हो तो फिर से आपको ऐड वाले पे क्लिक करना है, फिर से आपको लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे फिर से लिखना है। अगर आप चाहते हो कि मेरा फर्स्ट वाला लास्ट में हो जाए तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आप नीचे ला सकते हो या आप 2 नंबर पे रख सकते हो, यहाँ पे 3 नंबर पे भी रख सकते हो, कुछ ऐसे आप कर सकते हो। नहीं तो आप 3 डॉट यहाँ पे दिख रहा होगा, 4 लाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे इसको नीचे ऊपर कर सकते हो। अब इसको हम पोल को क्रिएट कर देंगे, तो यहाँ पे हम इसको सेंड कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा कुछ इस प्रकार से पोल बन चुका है। अब इसमें हम आंसर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं वोट करूंगा, तो यहाँ पे वोट करने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देता हूं और ये मेरा वोट दे दिया मैंने। यहाँ पे आपको 1 दिख रहा होगा, तो ऐसे ही आपको दिखेगा कि कितने लोगों ने आपको वोट किया। और आप जानना चाहते हो कि किन किन लोगों ने आपको वोट किया, आपके कॉन्टेक्ट में अगर सेव होगा तो वो यहाँ पे आपको दिखाने वाला। तो यहाँ पे कैसे देखना है, यहाँ पे व्यू वोट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको उसका प्रोफाइल दिख जाएगा कि आपके मोबाइल में इसका कॉन्टेक्ट सेव है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किसने आपको वोट किया और किसका नाम है, वो यहाँ से आप देख सकते हो और कितने टाइम में उसने वोट किया, यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हो। तो ऐसे आप इस वोट वाले सेक्शन को यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।